शनिवार को एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल हरियाणा के राज्य मंत्री सुभाष सुधा का एक पायलट गाड़ी पलट गया। इस हादसे में एक पुलिस कमांडो घायल हो गया है। मंत्री सुभाष सुधा चंडीगढ़ से महेंद्रगढ़ जा रहे थे। इसी बीच जब गाड़ी पिहोवा से 7 किलोमीटर की दूरी पर एक्सप्रेस हाईवे से गुजर रही थी तो अचानक गाड़ी का एक टायर फट गया और उसका एक्सल टूट गया, जिसके बाद गाड़ी पलट गई, जिसमें एक पुलिस कमांडो घायल हो गया। घायल कमांडो को पहले पिहोवा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे कुरुक्षेत्र के LNJP अस्पताल रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि कमांडो का एक हाथ फ्रैक्चर हो गया है। इस घटना को लेकर राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने मीडिया से कहा कि वो शनिवार को अपने काफिले के साथ चंडीगढ़ से महेंद्रगढ़ जा रहे थे। महेंद्रगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम था, जिसमें उन्हें शामिल होना था। जैसे ही उनका काफिला NH-152D पर पहुंचा तो उनके काफिले में शामिल स्कॉर्ट गाड़ी का अगला टायर फट गया और एक्सल टूट गया। सुनिए उन्होंने और क्या कहा। क्या करने के लिए देखिए, आज चंडीगढ़ से मैं सुबह वहाँ जा रहा था, हमके अपना महेंद्रगढ़ हमारे आदरणीय अमित शाह जी मुझसे वहाँ आ रहे थे, उसके लिए एक मीटिंग थी, पार्टी की मीटिंग के लिए जा रहा था। रास्ते में पिहोवा से लगभग 7 किलोमीटर आगे जाके 152D पे तो क्या हुआ कि हमारी जो गाड़ी थी पायलट की गाड़ी थी वो एस्कॉर्ट की जो गाड़ी थी एस्कॉर्ट की गाड़ी में जो रंग गया उसका जो टायर का है टायर ब्लास्ट हो गया और साथ में एक्सल टूट गया, उससे अनबैलेंस हो गया और उससे गाड़ी में उल्टी गाड़ी उससे कुछ बुलाया हमारे जो लाई थे उनको चोट लगी है, उनको मैं वहाँ से लेके सीधा आजाना दो हॉस्पिटल में आया। बाकी सब ठीक है और वैसे सारे एम्प्लॉइज भी ठीक है, बाकी उनको अक्सर भी चेक करें वो ठीक ठाक सब ठीक है।